हेलो भाई, दिस इज़ पीयूष योर वॉन्डर। और आज मेरे साथ हैं पॉन्ड मैन और साक्षी जी भी हैं यहाँ पे। तो कुछ अगर आपको क्वेश्चन पूछना है सर से, क्या मोटिवेट करता है आपको ये सब चीज़ें जो आप करते हैं, और वो पहली ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करी थी, जो पहला आपका एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे मोटिवेट करता है आप जैसे युवाओं का जो कार्य है, जिसको आप आज गंगा घाट के किनारे मुझे देखने को मिला, कितने जोश के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं। तो तब मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे सिरफिरे इस दुनिया में हैं। हाँ, सिरफिरे ही तो हैं हम लोग, नहीं तो किसे पड़ी है सुबह 7 बजे संडे को उठ के आएगा। जो सफाई वाला कहलाना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ गंदगी वाला जी, सो आई एम वन ऑफ यू, सो दैट्स आई आई फील सो प्राउड। एंड दूसरा जो फर्स्ट टाइम वो किया था वो ये था कि जिन तालाबों से हमने नहाना सीखा है, स्विमिंग करना सीखा है, वो तालाब अभी लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, उनको गंदा कैसे छोड़ दें, उनका गंदा कैसे छोड़ बचपन की यादें हैं आपकी, और नेक्स्ट पीढ़ी कैसे उनका एंजॉय कर पाएगी आपकी बचपन की, क्योंकि जब आपके दादाजी परदादी जी की मूर्ति को आप जो हमेशा संभाल के रखते हैं, तो दादाजी परदादी जी द्वारा जो बनाए गए तालाब थे उनको कैसे आप खराब कर सकते हैं। तो सही बात है, मोटिवेट किया था। चलिए, और अभी जैसे कि हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं जिनको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, और आपने कैसे ओवरकम किया? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप साफ कर सकते हैं, आप एक साल में साफ कर सकते हैं, एक दिन में साफ कर सकते हैं, जैसी छोटी जगह है तो एक दिन में भी साफ कर सकते हैं, लेकिन उसको लंबे समय तक साफ करना वो अभी मेरे लिए नहीं, दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबके लिए बड़ा चैलेंज है। और उसका कारण ये है कि हम तालाब को साफ करना सीख सकते हैं और वो एक दो दिन में एक साल में हो सकता है, लेकिन माइंड सेट को साफ करना वो शायद डिकेड्स लगेंगे, क्योंकि माइंड सेट एक दिन में ख़राब भी नहीं हुआ है, माइंड सेट जो है 50-100 साल में जाके ख़राब हुआ है, धीरे धीरे ख़राब हुआ है, तो धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। तो आप जब लोगों को लोग आपको ऐसे क्रिटिसाइज करें, आप पे आरोप लगाएं कि आपने तो साफ़ किया था गंदा हो गया, मुझे भी बहुत बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं कि ये पैसा खा गया है ना, देखो 2 साल पहले साफ़ किया था फिर से गंदा हो गया। तो मैं बोलता हूँ मैंने थोड़ी ना गंदा किया, मेरा काम था साफ करना, आप लोगों का काम है गंदा करना, आप अपना कार्य बहुत ही निष्ठापूर्ण कर रहे हैं, मैं अपना कार्य बहुत निष्ठापूर्ण कर रहा हूँ, दोनों का कार्य जो है निष्ठापूर्ण हो रहा है। तो वैसा ही है, लोग आपको क्रिटिसाइज करें करने दीजिए, बट ये है कि आपको अपना काम बहुत निष्ठापूर्वक करना है, आपको कोई यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो भगवान करे। नहीं बिल्कुल, और लोगों को कैसे मतलब अवेयरनेस कैसे फैलाएं, जो लोग ये बिल्कुल एक प्रोकेस्टिनेशन करते हैं हम क्यों उठ के जाएं, कैसे अवेयरनेस वही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए, जैसे आज स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व हुए जी, तो स्कूल के बच्चों को ना सच में आज कई दिन तक उनका दिल दुखेगा, दिल दुखेगा पर एक ये उनको एक खुशी भी मिली होगी, खुशी भी मिली होगी कि एटलीस्ट आज हमने कुछ कर्ज तो उतारा, जितना आधे घंटे में सर 70 किलो हम लोगों ने उठाया है आज, तो उनको फील भी अच्छा होगा, दूसरा एक खुशी भी मिलेगी, दिल भी दुखेगा कि हमने क्या किया है। तो दोनों चीजें, जब तक लोग खुद आके कचरा नहीं उठाएंगे, खुद उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होगा, तो शायद इन्वॉल्व भी नहीं होगा। क्या बात है, बहुत बहुत इनसाइट। और कुछ यूथ को कुछ कहना चाहते हैं आखिरी लास्ट में? ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चारों तरफ बात कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि सच में वो हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि नेक्स्ट पीढ़ी भी हमारी तरह नेचुरल रिसोर्सेज को एंजॉय करे, वही आपको ध्यान में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, पॉन्ड मैन है आपकी, इंडिया के पॉन्ड मैन है। तो दिस इज़ पीयूष। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं सर ने। तो ये गंगा घाट कितना साफ लगता है हम लोगों को, और जैसा उनने कहा कि ये माइंडसेट का इशू है, ठीक है, सबको चाहिए सफाई, ठीक है, तो ये कब हम लोग माइंडसेट अपना चेंज करेंगे? तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, फैमिली हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि यार ये सिर्फ आपका घर ही आपका घर नहीं है, ये जो पूरी अर्थ है ना, पूरी पृथ्वी है, ये आपका घर है। ठीक है, जो वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि पूरी फैमिली वन फैमिली की बात करते हैं, तो ये वन होम भी है। ठीक है, इसकी भी हम लोग थोड़ी सी बात करें, और इस अर्थ को ख़राब होने से हम लोग बचा सकते हैं, हम लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम लोग क्या देके जा रहे हैं, कभी इस पे गहराई से बैठ के सोचिएगा कि हम लोग सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, क्या जैसे आप अपने पुराने ज़माने में रहते थे, जितने खुशी से रहते थे, क्या उतने खुश आज हैं आप? ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और दिस इज़ पीयूष साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।